कुछ राजनीतिक दल चाहे जो भी कहें, लेकिन आधार का बीज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में ही बो दिया गया था, जब सदन के भीतर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बयान दिया था। तब के गृह मंत्री श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था इसी सदन में, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स विल आल्सो बी यूज्ड फॉर इश्यूइंग पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, राशन कार्ड्स, हेल्थ केयर, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एज ऑल्सो फॉर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स। आधार का बीज यहाँ है। अटल जी की सरकार ने देश के सामने एक विजन रखा था, तो पीएम मोदी ने उसी विजन की ताकत को पहचाना। आधार की उस ताकत को मोबाइल और जनधन खातों के साथ जोड़कर त्रिशक्ति जैम बना दिया। पीएम मोदी की इस त्रिशक्ति ने सरकारी योजनाओं और देश के गरीब को आपस में ऐसे जोड़ दिया कि योजनाओं का 100% फायदा अब बिना किसी लीकेज के जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। आप डीबीटी की ताकत को समझिए कि देश की 315 सरकारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। किसान हो, पेंशनर्स हो, महिलाएं हो, स्टूडेंट्स हो, गरीब हो या फिर यूथ हो, सबको बिन बिचौलिए सामाजिक स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। मोदी सरकार में अब तक 25.8 लाख करोड़ रुपए डीबीडी के माध्यम से दिए जा चुके हैं और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आधार से जुड़े जनधन खातों में ही लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर हुए हैं। सरकारी मदद बिना बिचौलिए, बिना कट, सीधे बैंक खाते में पहुंच जाती है। हमारा स्वदेशी यूपीआई पेमेंट सिस्टम बिना आधार की ताकत के कैसे बन जाता? आज इस यूपीआई के माध्यम से देश में हर महीने औसतन 450 करोड़ लेन देन हो रहे हैं, जो तकरीबन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होते हैं। सिर्फ अक्टूबर 2022 में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ लेन देन हुए। दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन भारत में ही होता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS हर महीने 250 अरब रुपए से अधिक मूल्य के लेन देन करती है। उधर फास्टैग प्रणाली की सफलता के पीछे भी आधार की ही ताकत है। फास्टैग के जरिए सरकार प्रतिदिन 130 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाती है। आज देश में तकरीबन 130 करोड़ आधार कार्ड हैं। ये आधार कार्ड सिर्फ भारत के नागरिक के रूप में हमारी व्यक्तिगत पहचान ही नहीं है, बल्कि गरीब का सहारा भी है, सामाजिक न्याय का माध्यम भी है और देश के विकास की रीढ़ भी है।